नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ आपके गद्य खंड के प्रथम अध्याय कविकुल गुरु कालिदासा के 3 भाग का अध्ययन किया है। आज हम लोग इसके चतुर्थ और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम थोड़ा सा दोहरा लेंगे कि हमने पिछली कक्षा में किन बातों का अध्ययन किया है और आज की कक्षा में हम किन-किन बातों का अध्ययन करेंगे, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहले पिछले गद्यांश की पुनरावृत्ति, उसके बाद गद्यांश संख्या 8 खा से गद्यांश 10 अर्थात पाठ की समाप्ति तक का वाचन और हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। गद्यांशों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से कविकुल गुरु कालिदासा पाठ संक्षेप में दोहराएंगे और फिर आपके लिए अभ्यास कार्य। पिछली कक्षा में बच्चों, हम लोगों ने गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से पढ़ा कि कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय जीवन पद्धति के उच्च आदर्शों का किस प्रकार से समावेश किया है। प्रारंभ से ही हम इस अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं कि महाकवि के रचनाओं में प्रकृति वर्णन बहुत ही मनोरम है और बहुत ही सजीव है, जिसके कुछ उदाहरण पिछली कक्षा में हम लोगों ने गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। जैसे कि एक प्रसंग उसमें बताया गया कि शकुंतला की विदाई के समय आश्रम के पशु पक्षी और पौधे किस प्रकार उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। मेघदूतम में कवि ने मेघ को मानवों के समान ही स्थान दिया है। उन्होंने अपनी रचना में मेघ को एक संवेदनशील प्राणी के रूप में चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त आपने गद्यांश में काव्य सौंदर्य के तत्वों पर भी चर्चा की कि महाकवि ने अपनी रचनाओं में रस, अलंकार, रीति, शैली आदि का किस प्रकार से प्रयोग किया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके इस अध्याय में कुल 10 गद्यांश हैं, जिनमें से आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 8 का तक के गद्यांश का हिंदी में अनुवाद पढ़ लिया है। आज आपके सामने है गद्यांश 8वें का खा, या इसका 8वें गद्यांश का दूसरा भाग है। प्रथम गद्यांश आपने गद्यांश के प्रथम अंश का अध्ययन आपने पिछली कक्षा में कर लिया है। पुनः उसी प्रक्रिया से प्रारंभ करेंगे। पहले मैं इसका वाचन करूंगी, फिर गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, जो कि हमें हमें गद्यांश का अनुवाद में को समझने में सहायता प्रदान करेगा। सममेव भारतीय संस्कृत्यनु मतानाम धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्य मस्ति आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वण्य मनसि काम प्ररोहम नुभूय दुष्यंता तावत् शांतिम न लभते यावत्ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेयम इति नावैति कण्वस्यानुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति यावत् एकता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलशुं नाच्छालयति। अपरतः दुष्यंतः अंगुलीयलाभेन लब्ध स्मृतिः सन् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं नाकुरुते। तदंतरमेव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति पुत्रोपलब्धो चा परिणमते। अब इस गद्यांश में आए हुए इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द आपका है काम प्ररोहम नुभूय। काम प्ररोहम अनुभूय, जिसका अर्थ हुआ काम भाव की उत्पत्ति का अनुभव करके या प्रेम का अनुभव करके। क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य या विवाह करने योग्य। दुहितेयम इति, दुहिता कहते हैं बच्चों पुत्री को, दुहिता है यह ऐसा। कण्वस्यानुज्ञां,
कर्म के महर्षि कर्म की अनुमति के अवज्ञा जनितम, अवज्ञा अर्थात अपमान जनितम, अपमान से उत्पन्न लब्ध स्मृति ही स्मृति को पाकर, भृशम भृशम का अर्थ होता है अधिक, प्रायश्चिताग्नो प्रायश्चित रूपी अग्नि में। पुनः गद्यांश की ओर चलेंगे और गद्यांश का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। सममेव साथ ही, पहला शब्द आपका प्रारंभ हो रहा है गद्यांश का साथ ही से। साथ ही का अर्थ है बच्चों, जैसा कि पहले भी बताया कि यह आपके आठवें गद्यांश का द्वितीय खंड है, तो आपने आठवें गद्यांश में के प्रथम खंड में महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रयुक्त काव्य सौंदर्य के तत्वों को पढ़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि काव्य सौंदर्य के तत्वों का किस प्रकार से कवि ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, उसी के साथ साथ ही भारतीय संस्कृत्यनुमतानाम, भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशनम प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीम, आश्रम में निवास करने वाली या आश्रम में रहने वाली शकुंतलाम निर्वण्य, निर्वण्य का अर्थ होता है बच्चों देखकर, शकुंतला को देखकर मनसि मन में काम प्ररोहम नुभूय, काम भावना की अनुभूति करके या काम भावना अर्थात प्रेम भावना का अनुभव करके, दुष्यंतः तावत् शांतिम न लभते, दुष्यंत को तब तक शांति प्राप्त नहीं होती है, न लभते प्राप्त नहीं होती है, यावत्ताम जब तक क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, जब तक क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य विश्वामित्रस्य दुहितेयम इति, विश्वामित्र की यह पुत्री है ऐसा न वैति नहीं जान लेते हैं। कण्वस्यानुज्ञाम विना, महर्षि कर्ण की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभावपि अर्थात दोनों को, दोनों किसको कह रहे हैं यहाँ पर, शकुंतला और दुष्यंत को, तावत प्रताड़यति तब तक प्रताड़ित करता है या कष्ट देता है, यावद एकतः जब तक एक ओर शकुंतला मारीचाश्रमे, शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या के आचरण से, अवज्ञा जनितुम अपमान से उत्पन्न, कलुषम नाछालयति कलुषम अर्थात पाप को नहीं धो लेती है, छाल्यति का अर्थ होता है बच्चों धोना, अपरतः और दूसरी ओर दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन, दुष्यंत अंगुलीय अर्थात अंगूठी, अंगूठी के मिलने से लब्ध स्मृति स्मृति को पा करके, भृशम पीड्यमानः भृशम अर्थात अधिक पीड़ित होते हुए या कष्ट को सहते हुए, प्रायश्चित ताग्नौ प्रायश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धिम न कुरुते, प्रायश्चित रूपी अग्नि में जलकर आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं। तदंतरमेव और उसके बाद ही, तयोः उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, दाम्पत्य प्रेम निष्कलंक होता है, पुत्रोपलब्धे लब्धौ च परिणमते और पुत्र की उपलब्धि में प्रतिफलित होता है। आपने देखा बच्चों कि इस गद्यांश में भी महाकवि के ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार से मानव जीवन के मूल्यों की स्थापना की है, इसके विषय में इस गद्यांश में आपको बताया गया है। जैसे कि द्वितीय पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कवि के विषय में कि दुष्यंत ने
आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखा, अपने मन में प्रेम की अनुभूति करके, किंतु वह यह अवश्य जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं, तो आप सभी बच्चों ने दुष्यंत और शकुंतला की कथा अवश्य ही पढ़ी होगी, जिसमें कि यह वर्णन है कि शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, जिस श्राप के प्रभाव से उसकी अंगूठी खो जाती है और राजा दुष्यंत उसे भूल जाते हैं, किंतु बाद में कथा के अंत में वह अंगूठी मिलती है और राजा दुष्यंत अपनी स्मृति को पुनः प्राप्त करते हैं और प्रायश्चित के बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता है। इस तरह से महाकवि के काव्यों में भारतीय जनजीवन के उच्च आदर्शों और मानव मूल्यों की भी स्थापना की गई है, यह आपको इस गद्यांश में बताया गया है। आगे चलते हैं बच्चों, आपका गद्यांश संख्या 9। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशीनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्ता दर्शानां सम्यग् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमा हरन् मितसंयतभाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन् यशस्कामस्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्तुं सदैवोद्यता अभवन् केवलं संतत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूवुः। शैशवे विद्यार्जनं यौवने रंजनं वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवदाचरणं तेषां व्रतमासीत्। बालवृद्धवनितादीनां यदाचरणं कालिदासकाव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपं मेव। गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं बच्चों। उदात्ता दर्शानाम अर्थात उदात्त आदर्शों का या श्रेष्ठ आदर्शों का। छेमाय कहते हैं कल्याण के लिए या भलाई के लिए। बलिम कहते हैं बच्चों कर को, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में टैक्स भी कहते हैं। मित संयत भाषिणस्ते सीमित और संयम पूर्ण वचन बोलने वाले। यशस कामस्ते यश की कामना करने वाले या यश चाहने वाले। ते अर्थात वे। संतत्यर्थे संतानोत्पत्ति के लिए। गृहमेधिनः गृहस्थ धर्म वाले। मुनिवदा चरणम यह शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, मुनिवत धन आचरणम अर्थात मुनियों के समान आचरण। गद्यांश का हिंदी में अनुवाद देखते हैं बच्चों। रघुवंशे अर्थात रघुवंशम में या रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशीनाम चित्रणम तथा करोति, रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार किया है जिससे कि करोति यथा, जिससे भारतीय जनजीवनस्योदात्ता दर्शानाम भारतीय जनजीवन के उच्च आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, अच्छी प्रकार से वर्णन हो सके। रघुकुलजाह रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजाक्षेमाय बलिमा हरन, प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सीमित और संयम पूर्ण वाणी बोलने वाले, वे सदा सत्यनिष्ठा आसन, सदैव सत्यनिष्ठ होते थे। यशस कामस्ते यश की कामना करने वाले, वे उसके लिए अर्थात यश के लिए प्राणानपि त्यक्तुम प्राण भी त्यागने के लिए सदैव उद्यत होते थे या तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे केवल संतानोत्पत्ति के लिए वे गृहमेधिनो बभूवुः गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम शैशव काल में या बचपन में विद्या प्राप्ति। यौवने रंजनम यौवन काल में रंजन अर्थात मनोरंजन या भोग। वार्धक्ये मुक्त्यर्थम और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए। मुनिवदाचरणम मुनियों के समान आचरण। तेषां व्रतम आसीत उनका व्रत था।
बाल वृद्ध वनितादि नाम यदाचरणम्। बाल अर्थात बच्चों, वृद्ध और वनिता अर्थात स्त्रियों का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपितम निरूपित है या वर्णित है, तत्सर्वथा वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। इस गद्यांश में भी बच्चों, गद्यांश में रघुवंशम के माध्यम से, जो रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है, जिसमें रघुवंशी राजाओं के विषय में बताया गया है, इन राजाओं के व्यवहार के, इनके आचरण के माध्यम से भी महाकवि ने भारतीय संस्कृति के गौरव की स्थापना ही की है। और इस गद्यांश का हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। आहिमवतः सिंधु वेलाम, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक, यावत विकीर्णाः भारत गौरव गाथाः। भारत के गौरव की जितनी भी गाथाएं विकीर्णाः अर्थात फैली हुई हैं, कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः। कालिदास ने अपनी कृतियों में उन्हें निबद्ध किया है या सम्मिलित किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे चा, रघुवंशम मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत देशस्य, भारत देश के विविध भूभागा नाम, विविध भूभागों जैसे गिरिकाननादी नाम, गिरि का अर्थ है पर्वत, कानन कहते हैं वन अर्थात जंगलों को, पर्वत और जंगलों आदि का यादृक स्वाभाविकम मनोहारी चा चित्रणम लभ्यते। जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपनी चक्षु अर्थात आँखों से देखे बिना, तद संभवम अस्ति, वह असंभव है। तथा विधम तस्य देश प्रेम, इस प्रकार का उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम उनके काव्य की उन्नति में को समुद्रढ़यति और अधिक मजबूत करता है या दृढ़ करता है। संतु तत्रानल्पा संस्कृत कव्याः, बहुत से संस्कृत के कवि हैं। अल्प का अर्थ होता है बच्चों कम अर्थात थोड़ा, अनल्पा अर्थात अधिक यानी कि बहुत से संस्कृत के कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु किसी की भी कालिदास के साथ समानता नहीं है। साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिणा, कालिदास के किसी अनुरागी अथवा प्रेमी ने साधुक्तम उचित ही कहा है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, पुरा अर्थात पहले या प्राचीन काल में कवीनाम गणना प्रसंगे, कवियों के गणना के प्रसंग में या समय, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, कालिदास को कहाँ रखा गया? कनिष्ठिका पर। बच्चों आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है इसको कनिष्ठिका कहते हैं। जब भी हम गणना प्रारंभ करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से ना, इसी अर्थ में कह रहे हैं कि जब प्राचीन काल में कवियों की गणना की गई तो कालिदास को कनिष्ठिका पर रखा गया। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवेर भावाद, आज भी उनके समान कवियों का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका का नाम सार्थक होता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों, यह भी एक कवि के मनोभाव ही है कि वह ऐसा यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जब कवियों की गणना की गई तो कालिदास को कहाँ रखा गया, कनिष्ठिका पर, किंतु उनके समान आज तक कोई अन्य कवि नहीं हुआ जिसके कारण से कनिष्ठिका के पास वाली उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं, कवि कहता है कि इस उंगली का नाम सार्थक होता है कि इसका नाम अनामिका है। इस गद्यांश के भी माध्यम से बच्चों आप लोगों ने महाकवि कालिदास की रचनाओं में फैले हुए प्रकृति वर्णन, उनके देश प्रेम और भारतीय जनजीवन के
तमाम फैले हुए मानव मूल्यों का समावेश किस प्रकार से उनकी रचनाओं में है, यह आपको इस गद्यांश के माध्यम से बताया गया। इस गद्यांश के साथ ही बच्चों आज का पाठ आपका समाप्त होता है। इस कविकुल गुरु कालिदासा अध्याय में आपके 10 गद्यांश हैं, जिन सभी का आपने हिंदी में अनुवाद पढ़ा। एक बार फिर से संक्षेप में दोहराते हैं संपूर्ण पाठ को। जैसा कि आप सबको पता है कि कालिदास जी के जन्म स्थान एवं उनके जन्म समय के विषय में अनेक मतभेद हैं, किंतु विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार है। कालिदास जी का जन्म समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उनका जन्म स्थान उज्जैनी है। महाकवि का जन्म ब्राह्मण कुल में माना जाता है और वे शिव के भक्त थे, किंतु भगवान राम के प्रति भी उनका अनुराग था। महाकवि की रचनाएं बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब तक तो अवश्य कंठस्थ हो गए होंगे कि महाकवि की प्रमुखतः 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। रचनाओं में काव्य सौंदर्य के तत्वों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है, यह भी आप लोगों ने गद्यांशों के माध्यम से पढ़ा। महाकवि वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस के उपयोग में इनकी सिद्ध हस्तता है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में उपमा अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही प्रकृति का अत्यंत ही मनोहारी और सजीव वर्णन महाकवि की रचनाओं में किया गया है। महाकवि ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का भी समावेश किया है। रघुवंशम नामक महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं के चरित्र के माध्यम से उन्होंने एक प्रजा की भलाई करने वाले राजा के गुणों का भी परिचय दिया है। अपने देश की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन महाकवि ने अपनी रचनाओं में किया है, जैसे कि नदियों, पर्वतों, जंगलों आदि का उनकी रचनाओं में अनेकों स्थान पर बहुत ही सुंदर प्रसंग मिलता है। महाकवि की रचनाओं में देश प्रेम की भावना का भी समावेश हमको दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने इस पाठ को पूर्ण किया और इसको दोहराया भी। अब आपके लिए अभ्यास कार्य। प्रथम पाठ के प्रथम भाग से लेकर चतुर्थ भाग में आपने जितना भी पढ़ा, सारांश और गद्यांशों के अनुवाद, उनके माध्यम से आप अपने शब्दों में इस पाठ का सारांश लिखेंगे और गद्यांश संख्या 9 और गद्यांश संख्या 10 का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखेंगे।